दोस्तों पूरे वर्ल्ड में एंड्रॉयड यूजर काफी ज्यादा हो चुके हैं और गूगल अपना हर साल नया अपना एंड्रॉयड का वर्जन लॉन्च करता है। अभी अभी गूगल ने लॉन्च किया है एंड्रॉयड ओरियो और बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिसे एंड्रॉयड ओरियो का अपडेट नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक लीक्स निकल कर आया है एंड्रॉयड पी के बारे में। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा एंड्रॉयड पी में कौन सा फीचर यहाँ पर नया आने वाला है और एंड्रॉयड पी का अपडेट कब तक मिलेगा, गूगल कब तक इसे रिलीज करेगा। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव, आप देख रहे हैं यहां एवरीथिंग। दोस्तों जैसे कि पता होगा कि एंड्रॉयड अपना हर साल नया अपना वर्जन लॉन्च करता है और उनका नाम होता है, जैसे कि देखते हैं यहां पर एंड्रॉयड लॉलीपॉप, एंड्रॉयड मार्शमेलो, एंड्रॉयड ओरियो। उसी तरह से यहां पर ओ के बाद यहां पर अब आएगा एंड्रॉयड पी का, यानी एंड्रॉयड 9 का जो वर्जन होगा उसका नाम एंड्रॉयड पी होगा, ये कन्फर्म है। लेकिन दोस्तों ये नहीं पता है कि एंड्रॉयड पी का फुल नेम क्या होगा, जैसे कि एंड्रॉयड ओ का ओरियो था, उसी तरह से एंड्रॉयड पी का क्या नाम होगा ये कंफर्म नहीं है। लेकिन कुछ यहाँ पर फीचर निकल कर आए हैं लीक्स में, तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा फीचर यहाँ पर नया आने वाला है। दोस्तों जितने भी फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक YouTube चैनल पर अभी अभी अपडेट हुआ है जिसका नाम है सॉफ्ट ड्रॉइड टेक, मैं आपको लिंक दे दूंगा अगर मुझे मिला तो। दोस्तों बात करते हैं कि एंड्रॉयड पी में आपको सबसे पहले क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है। दोस्तों एंड्रॉयड पी में जो आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है, जैसे कि गूगल का नोटिफिकेशन आपको चेंजेस मिल सकता है, नियंत्रण यानी आप कंट्रोल सेंटर आपको मिल सकता है यहाँ पर जो कंट्रोल पैनल होता है, और दोस्तों आपको बहुत सारे ऐप्स नए मिल सकता है, कैलेंडर मिल सकता है या नए डिजाइन का अलार्म घड़ी मिल सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें आपको गूगल एज और गूगल क्राउन नामक दो नया यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल सकता है इस एंड्रॉयड पी के अपडेट में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गूगल क्रोम के बारे में। मोबाइल जो एक गूगल क्रोम का ब्राउजर है इसे पूरी तरह से एंड्रॉयड पी में बदल दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉयड पी में आपको नया गूगल क्रोम मिलेगा जो कि यूट्यूब की तरह दिखेगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल आपको यूट्यूब की तरह एक्सपीरियंस मिलेगा गूगल क्रोम में, जिसमें आपको जैसे यूट्यूब में आपको ट्रेंडिंग पेज दिखता है एक अलग यहाँ पर टैब में मिलता है, उसी तरह से आपको गूगल क्रोम में भी एक ट्रेंडिंग पेज का अलग टैब दिया जाएगा। यहाँ पर इसे नए तौर पर डिजाइन किया जाएगा। तो दोस्तों पूरी तरह से गूगल क्रोम को बदल दिया जाएगा एंड्रॉयड पी में। दोस्तों आपको एंड्रॉयड पी में जो कंट्रोल पैनल यानी नोटिफिकेशन पैनल है उसे फिर से चेंज करने का यहाँ पर योजना बनाया जा रहा है। आपको जो एंड्रॉयड पी में मिलेगा ये नोटिफिकेशन पैनल काफी अलग तरीके का मिलेगा। दोस्तों एंड्रॉयड पी के साथ गूगल कंट्रोल पैनल को फिर से डिजाइन करने का योजना बन रहा है। जी हाँ दोस्तों आपको जो एंड्रॉयड पी में नोटिफिकेशन पैनल मिलेगा बिल्कुल अलग तरीके का मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एंड्रॉयड का जितने भी वर्जन है आपको नोटिफिकेशन पैनल जो है उसमें काफी चेंजेस देखने को मिलता है, उसी तरह एंड्रॉयड पी में भी आपको काफी अलग तरीके का डिजाइन मिल सकता है नोटिफिकेशन पैनल में। दोस्तों आपको एंड्रॉयड पी में एक नया फीचर मिलेगा जिसका नाम गूगल एज एंड क्राउन दिया गया है, जिसके मदद से आप बहुत सारे यहाँ पर कॉन्टैक्ट को सर्च कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि ये फीचर नया नहीं है क्योंकि आपको शाओमी के बहुत सारे डिवाइस में क्विक बॉल करके एक फीचर मिल जाता है। यहाँ पर गूगल अपने एंड्रॉयड पी के अपडेट में ये फीचर लाने वाला है, नाम होगा गूगल एज एंड क्राउन। तो दोस्तों ये नया फीचर आने वाला है एंड्रॉयड के पी अपडेट में। दोस्तों एंड्रॉयड पी के साथ आपको एक नया तरीके का लॉक स्क्रीन मिलेगा जिसपे आप बहुत तरीके का विजेट लगा सकते हैं स्क्रीन को स्वाइप करके ही। तो दोस्तों ये यहाँ पर एंड्रॉयड पी में ये आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है कि आपको लॉक स्क्रीन का सुविधा काफी अलग तरीके का मिल सकता है और अलग तरीके का यहाँ पर गूगल लॉक स्क्रीन को यहाँ पर ला सकता है एंड्रॉयड पी में। दोस्तों एंड्रॉयड पी में कुछ अलग यहाँ पर एप्लीकेशन आपको मिल सकता है, जैसे कि एंड्रॉयड पी में आपको वॉच का अलग यहाँ पर एप्लीकेशन मिल सकता है, कैलेंडर जैसे एप्लीकेशन अलग मिल सकता है, और दोस्तों एक नया यहाँ पर एप्लीकेशन अलार्म के लिए यहाँ पर दिया जाएगा एंड्रॉयड पी में। दोस्तों अब बात करेंगे एंड्रॉयड पी रिलीज कब हो सकता है। अगर बात करें डेवलपर के लिए तो ये मार्च 2018 तक अवेलेबल हो सकता है, उसके बाद और जो कुछ बीटा टेस्टर होते हैं उनके लिए अगस्त 2018 तक रिलीज हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से एंड्रॉयड पी में कुछ नए फीचर आपको देखने के लिए मिल सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये दोस्तों लीक्स एंड रूमर्स हैं, ये कुछ सही हो सकता है या कुछ गलत भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप इसके साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी यहाँ पर नया अपडेट आता है मैं आपको डायरेक्टली वीडियो बनाकर बता दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको छोटा सा वीडियो पसंद होगा। पसंद आया वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।